नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ रहे शख्स के बगल में गायत्री मंत्र जपने लगे आर माधवन। नेटफ्लिक्स सीरीज डी कपल्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई है। शो के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं। इस सीरीज में एक्टर आर माधवन और सुरविंद्र चावला शो में लीड रोल्स में नजर आ रही हैं। आर माधवन ने शो के मुख्य किरदार आर्य अय्यर के रोल में हैं। हाल ही में शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें माधवन दिल्ली हवाई अड्डे पर एक प्रार्थना कक्ष में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीन में एक सफल उपन्यास लेखक आर्य अय्यर के पीठ में दर्द होता है तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए खाली जगह ढूंढते हैं। इसी दौरान वह दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद एक प्रेयर रूम में चले जाते हैं। वहां पर एक और अधेड़ उम्र का व्यक्ति कमरे में नमाज पढ़ रहा होता है। जब माधवन अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वो शख्स चिढ़ जाता है। वो अपनी नमाज को बीच में ही रोकता है और आर्य से कहता है कि प्रार्थना कक्ष है ना कि एक्सरसाइज रूम। माधवन उसे कहते हैं कि उनकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से पहले स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। माधवन उस आदमी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं किंतु वह मुकर जाता है और माधवन से साफ साफ कहता है कि वह प्रार्थना कक्ष में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकता। यही नहीं, नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति एयरपोर्ट कर्मचारी से भी इसकी शिकायत कर देता है, जिसके बाद स्टाफ आर माधवन से कहता है कि वह यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, यह कक्ष सिर्फ प्रार्थना के लिए है। स्टाफ के इतना कहते ही माधवन गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये देख नमाज पढ़ रहा शख्स आग बबूला हो जाता है। तो इस तरह की घटना पर आर माधवन के सामने हुई है, जिस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।